हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक मल्टीमीटर है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, हम एक एलईडी लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि अब कहीं अंधेरे में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे को रीडिंग लेनी है, तो यहाँ पे हम देख तो पाएंगे लेकिन एक एग्जैक्ट रीडिंग हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर एक एलईडी लगा देंगे ताकि जैसे हम कहीं अंधेरे वाली जगह में काम करें तो यहाँ पे एलईडी ऑटोमेटिकली जैसे भी जिस भी रीडिंग पे हम सेट करें वहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाए। इसमें फ्रेंड्स जो यहाँ पे आपको सीट दिख रही होगी व्हाइट कलर की, हम इसको हटा लेंगे और इसकी जगह आप फोन के अंदर जो फिल्म सीट आती है वो यहाँ पे इसके नाप की हम यहाँ पे काट के लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फिल्म सीट है जो यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है। और यहाँ पे आप जो एलईडी लाइट देख रहे हो, अभी इसको हम इसके अपोजिट साइड में यानी कि इस जो कैप है इसके अंदर यहाँ पे चिपका लेंगे और इसके कनेक्शन इसके अंदर सर्किट के अंदर करते हैं। तो यहाँ लाइट लगा दी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो आप बैटरी देख रहे होंगे इसके पॉजिटिव तार को यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने एक स्लॉट काट लिया है जहाँ पर हम SPST स्विच है उसको लगाएंगे। तो जो अपना पॉजिटिव तार है वो जाएगा इस स्विच के अंदर और फिर इससे निकल के जाएगा हमारे सर्किट के अंदर। हमने यहाँ पे स्विच के कनेक्शन इसमें कर लिए हैं, आप देख सकते हो। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं और हमारी रीडिंग यहाँ पे ऑन हो जाती है। स्विच को ऑफ किया, ऑफ हो गई, और यहाँ पे स्विच को ऑन करते ही रीडिंग ऑन हो गई। अब फ्रेंड्स ये एलईडी का कनेक्शन है वो इस तरीके से करेंगे कि इसको डायरेक्ट चलाना है। जैसे हमारे स्विच ऑन हो तो हमारी एलईडी भी ऑन हो जाए। तो हम या तो डायरेक्ट एक पॉजिटिव सिरा है जो इसका यहाँ पे पॉजिटिव पे कर देंगे और नेगेटिव यहाँ पे किसी भी सर्किट में कहीं से भी हम नेगेटिव सिरा उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके कनेक्शन हमने कर लिए, पॉजिटिव सिरा यहाँ जोड़ दिया और नेगेटिव सिरा हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको ऑन किया हमारी एलईडी है वो ग्लो करने लग गई। अब कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको पैक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो ये डिस्प्ले पर किस तरीके से अपना फोकस डाल रही है। तो फ्रेंड्स इसको कर लिया हमने पैक, यहाँ पे देख सकते हो आप इसका ऑन ऑफ बटन हो गया और ये हमारे पास रीडिंग के लिए यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर और यहाँ पे ओम नापने के लिए मीटर हो गया। तो इसके अंदर हम इसको जैसे ऑन करते हैं और जैसे इसको ऑन करते हैं आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे कैसे हमारे जो अंदर से लाइट है वो ग्लो कर रही है और रीडिंग हमारे को वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। जैसे ऑफ किया ऑफ हो गई और ऑन करते ही एलईडी भी ऑन हो गई। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रैक्टिकल जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा।